नमस्कार, मैं अदिति सिन्हा और आप देख रहे हैं आईवी टीवी। सारण में बीते दिनों जो घटना हुई, यानी कि तीन युवकों को जिस तरह से बेरहमी से मारा पीटा गया, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हुआ। सोशल मीडिया ने इस वीडियो को और ज़्यादा हवा देने का काम किया, जिसके बाद इसे जातीय नरसंहार का रूप दिया गया। साथ ही जातीय दंगा भी शहर में तेजी से फैलने लगा, जिसके बाद सोशल मीडिया को प्रशासन के द्वारा बंद करा दिया गया। 10 दिन के लिए सोशल मीडिया बंद कराया गया, लेकिन अब कथित पत्रकारों के ऊपर प्रशासन का चाबुक चल गया है। दरअसल आपको बता दें कि वो पत्रकार जो सोशल मीडिया के माध्यम से, वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो या फिर ट्विटर हो, इन तमाम प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी खबर को जनता तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उन पत्रकारों के ऊपर प्रशासन का चाबुक चला है और उन सभी के ऊपर FIR दर्ज किया गया है जो लोग इस दंगे को भड़काने का काम कर रहे थे। आपको बता दें कि SP गौरव मंगला ने 3 दर्जन से अधिक कथित पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज किया है। आरोप यह है कि इन सभी ने मिलकर इस दंगे को एक अलग रूप देने की कोशिश की। ये एक दंगा था, एक अपराध था, लेकिन इसे इस तरह से दिखाया गया कि ये जातीय नरसंहार है और दो जाति के बीच दंगा छेड़ा गया। यहाँ तक कि आगजनी की माहौल भी बना दी गई और इसका सीधा सीधा क्रेडिट SP ने दिया है उन कथित पत्रकारों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी खबरों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। SP का आरोप है कि इन सभी ने लगातार दंगे को और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की है। आपको याद दिला दें कि 2 फरवरी को सारण के मुबारकपुर में 3 युवक को मुर्गी फार्म में बंद करके बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। ये तीनों युवक राजपूत जाति से आते थे। आरोप लगा कि यादव जाति के विजय यादव ने इन तीनों युवक को मारने का काम किया, जिसमें से 2 की अब तक मौत हो चुकी है और 1 का इलाज पटना के रूबन अस्पताल में चल रहा है। ऐसे में ये दंगा लगातार बढ़ता गया और पूरे सारण में एक अलग ही रूप लेता चला गया। सारण में 10 दिन के लिए इंटरनेट भी बंद था, उसके बाद भी दंगा कम नहीं हो रहा था। प्रशासन का कहना था कि इंटरनेट के माध्यम से ही इस पूरे उन्माद को बढ़ाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ही लोगों को ये मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि ये नरसंहार है, एक जातीय दंगा है। इसमें हर जाति वाले अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हर जाति वाला अपना आक्रोश दिखा रहे हैं, जिस कारण प्रशासन ने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर बैन लगाया था। लेकिन इसके बाद भी जिस तरह से चीज़ें निकल कर सामने आई पत्रकारों के माध्यम से, खासकर यूट्यूब वाले पत्रकारों के माध्यम से, तो उसके बाद प्रशासन ने इस पर कड़ा रुख अपनाया है और प्रशासन ने उन तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई की है जिन लोगों ने इस दंगे को अलग एंगल देने की कोशिश की थी। इस खबर में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे आईवी टीवी के साथ। कैमरा पर्सन सोनू के साथ मैं अदिति सिन्हा, आईवी टीवी पटना। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ, टफकॉन XT के साथ।